नमस्कार, वीएमए भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। चलते खास और बड़ी खबर की ओर। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस समाज में महिलाओं के साथ हुए भेदभाव के खिलाफ एक अभियान के तौर पर भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। जैसा कि हम सदियों से जानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश रहा है, जहां बेटियों और महिलाओं को कहीं ना कहीं पुरुषों से कम तरहीज दी जाती रही है। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं और मौजूदा वक्त में लड़कियां भी लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। लोगों की सोच बदली है। अब बेटों को समाज के लोग हर क्षेत्र में बेटियों और बेटों के मुकाबले बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। हमारे आसपास कई ऐसी बेटियां, बहुएं, महिलाएं हैं जो अपने परिवार और सामाजिक भेदभाव के संघर्ष करके मेहनत लगन से आगे बढ़ी। नेशनल चाइल्ड डे के मौके पर हम आपको ऐसी कुछ महिलाओं के बारे में बता रहे हैं जिन्हें अपने परिवार में किसी ना किसी तरह भेदभाव का सामना करना पड़ा है। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो या फिर सुरक्षा या सम्मान का, उनमें बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत, कॉमेडियन भारती सिंह भी शामिल है। आइए बताते हैं उन खास महिलाओं के बारे में जिन्हें परिवार व समाज की उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा था, पर फिर भी आज ये महिलाएं समाज में ही नहीं बल्कि देश दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती हैं। इन शख्सियतों में पहला नाम है कंगना रनौत का। जी हाँ, इस बॉलीवुड एक्ट्रेस के जन्म से इसके परिवार में कोई खुश नहीं था। बता दें कि 2016 में अपने एक बयान में कहा था कि मेरे जन्म से मेरे घर में कोई खुशी का माहौल नहीं था। साथ ही कहा कि लोगों की पिछड़ी सोच की इस सब की वजह रहती आई है। कंगना के बर्थडे पर भी उनके घर में कोई खुशी का माहौल और जश्न का माहौल नहीं हुआ करता था। हालांकि बाद में मीडिया में खबर आई थी कि कंगना के पिता ने इस बात को खारिज किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं था और ना ही उन्होंने उनके परिवार ने कंगना के जन्म पर अफसोस किया था। वहीं फेमस कॉमेडियन भारती सिंह की लाइफ स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। जी हां, कॉमेडियन भारती सिंह की मां तो उन्हें अपने कोख में ही मार डाल देना चाहती थी और मारने के लिए तमाम तरीके भी अपनाए थे, पर फिर भी भारती सिंह का जन्म होना तय था और आज वो अपनी शानदार कॉमेडी से लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरती हैं और देश विदेश में अपना और अपने परिवार नाम रोशन कर रही हैं। और तीसरी महिला हैं जो राजनीति में अपना अच्छा खासा वर्चस्व रखती हैं। जी हां, बात कर रहे हैं बसपा के अध्यक्ष मायावती की, जिन्हें अपने घर में ही भेदभाव का सामना करना पड़ा था। बता दें, अपने समर्थकों के बीच बहन जी के नाम से मशहूर और पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती की अपनी एक अलग ही पहचान है। आपको बता दें, दलित होने के साथ साथ ही मायावती को अपने घर में लड़की होने की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इस बात का खुलासा मायावती की बायोग्राफी के लेखक अजय बोस ने अपनी किताब बहन जी बायोग्राफी ऑफ मायावती में भी किया है। इसके साथ ही इस बात का जिक्र भी किया है कि परिवार से तंग होकर काशीराम के साथ राजनीति में उतरने का फैसला किया था। दलित परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी मायावती ने अपने आप को साहस और हिम्मत से राजनीति में अपना अच्छा जान बनाई और ऊंचाइयों को भी छुआ। अब बात करेंगे बिग बॉस की चर्चित कंटेस्टेंट रश्मि देसाई की, जिन्होंने बिग बॉस के शो में अपनी लाइफ से जुड़े कुछ अनछुए किस्से बयां किए। रश्मि ने बताया कि उन्हें बचपन में लड़की होने की वजह से काफी सारे ताने सुनने को मिलते थे। यहां तक कि उनकी मां को भी बहुत से तानों को सुनना पड़ा था। इसका कारण यह था कि वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती थी। साथ ही लोग उन्हें मनहूस भी कहा करते थे। उन्हें खुद का होना एक पाप लगता था क्योंकि उन्होंने उस वक्त अपनी वैल्यू पता नहीं थी। लेकिन आज रश्मि ने लोगों की छोटी सोच को गलत साबित कर दिया है और अपने टीवी में अपना अलग नाम कमाया और लोगों के दिलों पर राज करती हैं और उन्हें घर घर में काफी पसंद भी किया जाता है। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे देश की पहली मुक्केबाज बनी मैरी कॉम की। बता दें, मैरी कॉम के परिवारजन नहीं चाहते थे कि वो बॉक्सिंग करें। बॉक्सिंग की सीख उन्हें बचपन में टीवी पर मोहम्मद अली को मुक्केबाजी करते देखकर इसकी शिक्षा मिली थी। हालांकि उन्हें भेदभाव जैसी कुरूति का सामना नहीं करना पड़ा था, बल्कि उनके पिता उनकी सुरक्षा की चिंता करते थे, जिसकी वजह से वे उन्हें बॉक्सिंग नहीं करने देना चाहते थे। पर मैरी कॉम अपनी जिद पर अड़ी रही और अपने लक्ष्य को पाया और सफलता की ऊंचाइयों को छूकर देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया। लेकिन अफसोस, आज भी कुछ ऐसी महिलाएं और लड़कियां हैं जिन्हें अपने सपनों को मारना पड़ता है और इस समाज की संगीन तुच्छ और छोटी मानसिकता का सामना करना पड़ता है। वो इस सोच के चलते अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से अपील है कि लड़कियों और लड़कों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना करें। लड़कों के बराबर के साथ ही लड़कियों को भी स्थान दें। बेटियों के हर उस सपने को पूरा करने दें जिसकी चाह एक बेटी अपने परिवार, समाज और देश दुनिया से रखती है।
नमस्कार।